हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2019 और यह हमारी 76वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, हमने डिसाइड किया है कि कल सुबह 6 बजे आपको मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो मिल जाया करेगा। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से और स्टडी यूनिवर्स चैनल से जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना गया है? तो सही ऑप्शन है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना गया है। इसे 1996 में यानी 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था। अब बात आई है पाकिस्तान की, तो मैं अपने आपको पाकिस्तान के बारे में बता दें। ये जगह है पाकिस्तान को दर्शाती है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इंस्पायर अवार्ड का यह 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो सही ऑप्शन है 7। यह एक प्रकार का वेस्ट प्रदर्शनी के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। इसमें देश भर से वेस्ट मॉडल चुने जाते हैं और इस प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में हाल ही में किया गया है। तो आपको बता दें, इंस्पायर अवार्ड का 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इतना आपको इंस्पायर अवार्ड के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विंटर ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो विंटर ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप पावेल आंद्रेव ने जीती है। तो सही ऑप्शन है पावेल आंद्रेव। पावेल ने -12 डिग्री यानी -12 डिग्री सेल्सियस में साइकिलिंग रनिंग स्काइंग करके यह चैंपियनशिप अपने नाम की है। इनका नंबर है फर्स्ट, तो सेकंड नंबर पर है दामित्री विग्रेडा और थर्ड पर है मारेक रोजफस। तो इतना आपको पावेल और विंटर ट्रायथलॉन के बारे में याद रखना है। अच्छा, आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, पावेल ने पुरुष वर्ग में जीती है, तो मारिया रोगोजिना ने महिला वर्ग में यह विंटर ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है पावेल आंद्री और इन्होंने यह चैंपियनशिप 7वीं बार जीती है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में देश की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है हिना जायसवाल। हिना जायसवाल हाल ही में देश की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में पाकिस्तान से यहाँ आयातित नहीं है, यह निर्यात है। निर्यातित हाल ही में पाकिस्तान से निर्यातित सामान पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने फीसदी किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 200% किया गया है। हाल ही में जो पुलवामा में आतंकी हमले हुए हैं, उसकी वजह से मोस्ट फेवर्ड नेशन और यह सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से छीना गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका सही ऑप्शन है साइना नेहवाल। हाल ही में साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को हराकर सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की है। इन्होंने महिला वर्ग में सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, तो पुरुष वर्ग में सौरभ वर्मा ने यह चैंपियनशिप लक्ष्य सेन को हराकर जीती है। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप सौरभ वर्मा और साइना नेहवाल ने जीती है। आपको बता दें, यह चैंपियनशिप गुवाहाटी में खेली जा रही थी और यह 83वां सीनियर चैंपियनशिप था। तो आपको इतना सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है बरगी बांध, जो जबलपुर में है। तो सही ऑप्शन है बरगी बांध। यह बांध 5357
मीटर लंबा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है बरगी बांध, और इस बांध की लंबाई है 5,357 मीटर। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1988 यानी 1988 में शुरू किया गया था, और इसकी लंबाई है 5,357, और ऊंचाई भी आपको बता दें, इसकी ऊंचाई है 69.80 यानी 69.80 मीटर। तो इतना आपको बरगी बांध के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, 21 यानी 21 साल तक चलने वाला दुनिया का एकमात्र टीवी शो कौन सा है? तो यह टीवी शो है CID। तो सही ऑप्शन है CID। CID जो सोनी टीवी पर आता था। यह 21 साल तक चलने वाला दुनिया का एकमात्र टीवी शो है, तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, और हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है CID शो जो दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला टीवी शो है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वायु शक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अभ्यास राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ है। तो सही ऑप्शन है राजस्थान, यानी वायु शक्ति 2019 युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में शुरू हुआ है। अब बात आई है राजस्थान की, तो मैप में आपको राजस्थान के बारे में बता दें, ये जगह है राजस्थान को दर्शाती है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी। गवर्नर हैं कल्याण सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आपको याद रखना है राजस्थान पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है बुंदेली, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका सही ऑप्शन है बुंदेली बोली। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है बुंदेली बोली। यह है मध्य प्रदेश के सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर आदि जिलों में बोली जाती है, और इसके अलावा यानी मध्य प्रदेश के अलावा यह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बोली जाती है, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में भी बोली जाती है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है बुंदेली बोली। क्वेश्चन नंबर 11, CRPF की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है नीमच जिला, मध्य प्रदेश का नीमच जिला CRPF की स्थापना के लिए जाना जाता है। CRPF की स्थापना नीमच में 1939 यानी 1939 में की गई थी। इसका पिछला नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, पर आजादी के बाद इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाने लगा। अब बात आई है नीमच की, तो आपको नीमच के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, इसे भारत की आंखों के दान की राजधानी कहा जाता है, यानी नीमच को आंखों की दान की राजधानी कहा जाता है, और अफीम उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है नीमच। तो इतना आपको नीमच के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही ऑप्शन है के टी इरफान ने नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप अपने नाम की है। पुरुषों में इन्होंने यह चैंपियनशिप जीती है। 20 किलोमीटर रेस में यानी 20 किलोमीटर रेस वॉक में इन्होंने 1 घंटे 26 मिनट में पूरी की है। तो आपको याद रखना है नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप केटी इरफान ने जीती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।